हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सरफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, आपको दिख भी पा रहा होगा हमारे पीछे जो है ईस्टमैन कंपनी का सोलर प्रोडक्ट है। ईस्टमैन कंपनी जो कि मेड इन इंडिया है, इंडिया में बनाती है सोलर प्रोडक्ट, उसका हम अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल का अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू करेंगे और साथ में हम जानेंगे बैटरी किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करती है, कितना वारंटी देती है, सारा डेटा हम कलेक्ट करेंगे बैटरी के बारे में अनबॉक्सिंग करने के बाद। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इन्वर्टर जो है उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका सारा रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या खूबियां हैं इसमें, ये स्मार्ट इन्वर्टर क्यों है मैं ये भी बताऊंगा आज के वीडियो में। चलते हैं अपने सेटअप के पास, सारा चीज़ हम इसको अनबॉक्स करके एंड इसका फुल रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको पैकेजिंग दिखा दूं कि ये ईस्टमैन का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह पैकेजिंग में आता है। मैं आपको पहले पैकेजिंग दिखा देता हूं। ये बैटरी है, सोलर बैटरी है, 150 एम्पीयर का है, ठीक है। यहां पे आप देख पाओगे, ये देखो यहां पे ये इस तरह से यहां पे सील किया गया है, यहां पे टेपिंग किया गया है और ये देखो आप इसे यहां पे होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो। देखो आप फुल ये प्लास्टिक में कवर है, पैक है। अब मैं दिखाऊँ आपको इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर भी देख पाओगे आप। देखो मोटा सा ये प्लास्टिक कवर है, अच्छे से पैकेजिंग ये किया गया है, यहाँ पे आप देख पाओगे। देखो मैं आपको सभी साइड से दिखा दूँ, देख रहे हो ये पूरा अच्छे से पैकेजिंग इसका मुझे अच्छा लगा ये पैकेजिंग। अब दिखाऊँ मैं पैनल का, तो पैनल भी जो है वो कहीं ना कहीं पैकेजिंग इसका सही है, तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं इसको अभी यहाँ से इसे बाहर निकालूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि मेड इन इंडिया, इंडिया का बना हुआ है और यहाँ पे 25 साल का वारंटी मिलता है। आप वहाँ पे भी देख पाओगे 25 साल का वारंटी है। और ये जो पैनल है ये 160 वाट का है और 12 वोल्ट का है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 12 वोल्ट का है, जो कि एक इन्वर्टर के लिए बिल्कुल सही है, मतलब एक बैटरी वाला इन्वर्टर में। अक्सर घरों में क्या होता है ना कि इन्वर्टर पर एक ही बैटरी सपोर्ट करता है, या फिर एक बैटरी लगाते हैं, या फिर हम ये बोल लें कि दो बैटरी लगाते हैं और दो बैटरी क्या होता है पैरेलल में होता है, देन क्या करते हैं हम 12 वोल्ट का पैनल हमें नहीं मिल पाता, देन हम लगा नहीं पाते हैं। तो ये जो पैनल है ना, कहीं कहीं ना कहीं सही है छोटे घरों के लिए, मतलब जहाँ पे कि बहुत बड़ा सिस्टम नहीं लगा हुआ है। और 12 वोल्ट का पैनल, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सही है एक बैटरी के लिए आसानी से, है ना। और 160 वाट का भी वाटेज भी सही है, 160 वाट आपको मिल रहा है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बीच का है ना, ये भी चीज़ इसका सही है। चलिए हम इसको देखते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है, अनबॉक्स करते हैं इसको हम, तो हम देख पाएंगे ये जो है सोलर पैनल है, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। यहाँ पे हम देख पाएंगे ईस्टमैन का ये अंदर में यहाँ पे लोगो हम देख पाएंगे, और ये जो मेड इन इंडिया का आप यहाँ पे देख पाओगे सिंबल, ठीक है ना। यहाँ देखो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, और ये ग्लास के अंदर है, इससे ये पता चलता है ये ओरिजिनल पैनल है ईस्टमैन सोलर का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देख पाएंगे इसमें सोलर सेल कितने हैं, तो मैं अगर काउंट करूँ ऊपर में आप चार देख पाओगे, 1 2 3 4, और ऊपर से अगर नीचे करूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 सेल इसमें। देखो यहाँ पे मेन बस बार है जो कि सारे कनेक्ट करते हैं आपस में, और यहाँ पे देखो 5 बस बार दिया गया यहाँ पे देख पाओगे। पीछे चलते हैं इसका, देखते हैं कि पीछे इसका क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, यहाँ पे देखो ये जंक्शन बॉक्स है, यहाँ से दो वायर निकलते हैं और एक मेल वायर एक फीमेल वायर है, मतलब एक मेल कनेक्टर है ये वाला और दूसरा यहाँ पे हम देख पाएंगे फीमेल कनेक्टर दिया गया है। अब पैनल के पीछे मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैक्सिमम पावर जो है 160 वाट और वोल्टेज जो है मैक्सिमम जो यहाँ पे देख पाओगे 19 वोल्ट है। फिर देखो यहाँ पे करंट जो है मैक्सिमम पावर करंट का देखो 8.42 एम्पीयर यहाँ पे दिया गया, मतलब ये 8.5 एम्पीयर करंट इसका होगा और 19 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा। जो इसका VOC है 22 है, लगभग 23 के आसपास इसका, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट करंट है देखो 8.87 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया वारंटी कार्ड वगैरह। और साथ में हम यहाँ पे देख पाएंगे इसका ग्राफ, अगर मैं दिखाऊँ आपको ग्राफ चार्ट यहाँ पे देख पाओगे, जो टेस्टिंग कर किया जाता है पैनल का, देन यहाँ पे ग्राफ चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए तो ये ईस्टमैन कंपनी का, और पीछे भी यहाँ पे हम लोगो देख पाएंगे, तो आपको दिखाऊँ देखो ये पीछे भी इसका यहाँ पे लोगो दिया गया है ईस्टमैन का। देखो बैटरी को मैं खोलने से पहले, अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट सब चीज़ बता दूं, जो कि बैटरी के ऊपर ही ये दिया गया रहता है। इसका कैपेसिटी है 150 एम्पीयर और 12 वोल्ट है, C10 रेटिंग का है और यहाँ पे वारंटी जैसे देख पाओगे आप 120 मंथ का वारंटी मिलता है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हम 60+60 देख पा रहे हैं, दो चीज़ देख पा रहे हैं, पहला वाला रिप्लेसमेंट वारंटी है और दूसरा वाला जो 60 मंथ है वो प्रो रेटा है। तो देख पाएंगे यहाँ पे जो है वाटर लेवल इंडिकेटर भी यहाँ पे दे रखा है 6 यहाँ पे, इसे मैं निकालता हूँ बाहर,
देखो ये वाटर लेवल इंडिकेटर है और ये दिया गया है बैटरी को जो हम नट बोल्ट पर टाइट करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ दिया गया है जो कि हम वायर को फिक्स करेंगे। तो ये वारंटी कार्ड होगा एक तरह का, तो यहाँ बारकोड भी दिया गया है, तो चलो इसे साइड रखते हैं ठीक है। और यहाँ बैटरी देख पाएंगे तो ये ब्लू ऊपर का जो लुक है वो ब्लू है, आपको ये दिख पा रहा होगा। इसे खोल के देन क्या करेंगे, ये जो वाटर लेवल इंडिकेटर जो हमें मिला है तो ये इंडिकेटर को हम इस पर लगा सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि पानी कितना है इसमें, पानी का लेवल क्या है, तो वो चीज़ सब हम इस पर चेक कर सकते हैं। देखो इस तरह से अंदर डालना है, अब हमें बैटरी इसको खींच के बाहर निकालना है। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसका लुक देख पाओगे बाहर का, शानदार है, पूरा ब्लू, ये जो है डार्क मतलब पूरा ब्लू है ना, तो ये चीज़ पूरा अट्रैक्शन कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और आगे में जो है वो पीला वाला है। चलो ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो काम का चीज़ है वो देखते हैं। काम का चीज़ हम देख पाएंगे वहाँ पे। सबसे पहले दिखाओ ट्यूलर बैटरी फॉर सोलर यूज, ये सोलर यूज के लिए। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाऊँ तो एक ग्रीन इन्वेंशन फ्रॉम देखो ईस्टमैन ग्रुप, ये ईस्टमैन ग्रुप के द्वारा ये जो इन्वेंशन किया गया है ये बनाया गया है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि ये 150 AH का बैटरी है, यहाँ पे आप नीचे देख पाओगे, और ये ट्यूबलर बैटरी है, और इसमें जो है वारंटी मिलता है 120 मंथ का। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ नज़दीक से, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 120 मंथ का वारंटी है, जिसमें 60 मंथ जो है रिप्लेसमेंट वारंटी है, बाकी का जो 60 मंथ है वो प्रो रेटा वारंटी है। तो यहाँ पे हम ये 120 मंथ का वारंटी हम देख पाएंगे, 10 साल का वारंटी है, और ये C10 रेटिंग का बैटरी है 12 वोल्ट का। तो चलो ये था ट्यूबलर बैटरी जो कि ईस्टमैन सोलर बैटरी है। और अब हम देखते हैं सोलर इन्वर्टर, जो कि ये रहा सोलर इन्वर्टर जो कि ईस्टमैन कंपनी का, इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अगस्त में है, और यहाँ पे देख पाएंगे EGP लिखा हुआ है, EGP 1400, यहाँ पे देखो ऑब्लिक देखे 12 लिखा है, मतलब ये मॉडल है, मॉडल नंबर है, 12 वोल्ट का है ये, लगभग 1000 VA का ये इन्वर्टर है, और इसमें जो सपोर्ट करेगा तो लगभग 800 वाट का हम इस पर लोड दे सकते हैं इस इन्वर्टर पे, जो सोलर इन्वर्टर है। और ये पूरा एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, मैंने बताया आपको मेड इन इंडिया है, तो ये इंडिया में बना गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी सारा चीज़ डिटेल दे दिया गया, तो वो आप देख सकते हो ईस्टमैन कंपनी का। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे यहाँ अनबॉक्स करता हूँ, तो सबसे पहले इस पैकेजिंग को हल्के इसे मैं कट कर देता हूँ ताकि ऊपर का पैकेजिंग में से हटा सकूँ। सोलर इन्वर्टर जो है MPPT और PWM बेस, दोनों बेस का आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। ये इन्वर्टर जो है PWM मॉडल का है, और जो कि प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। अगर हम MPPT लेते हैं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, ये आपको पता ही है कि किसी भी कंपनी का अगर इन्वर्टर लेते हो तो MPPT अगर लेते हो तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, और PWM का कॉस्ट कम होता है। इस इन्वर्टर में खासियत जो है बहुत सारा है, इसी इन्वर्टर में आपको जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है इनबिल्ड मिलता है। और मैं अगर आपको अंदर का लुक दिखाऊं तो अंदर का लुक देख पाओगे पूरा सेफ्टी के साथ दिया गया है, ये फॉर्म जो चारों साइड से कॉर्नर पे दे दिया ताकि किसी तरह से ये हैम्पर ना हो सके। यहाँ पे देखो आप हल्का सा आप देख पाओगे मेड इन इंडिया का, यहाँ पे देखो दिया गया ना, यहाँ पे मेड इन इंडिया का लोगो दे दिया ईस्टमैन, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया गया। चलिए हम इसको इससे बाहर निकालते हैं। जिस तरह का बैटरी था उसी तरह का यहाँ पे आपको ये देखने को मिला इसका इन्वर्टर का लुक। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड में हमें मिला है, तो चलो इसे साइड रखते हैं। तो ये आप फ्रंट लुक देख पाओगे, शानदार है इसका फ्रंट लुक। देखो ईस्टमैन का यहाँ पे लोगो दिया गया है, गोल्ड सीरीज का ये इन्वर्टर आता है। ये यहाँ पे देख पाएंगे जो ये डिस्प्ले है, मल्टी कलर डिस्प्ले है, यहाँ पे LED डिस्प्ले है, ये मल्टी कलर में यहाँ पे शो होता है, और यह साइन वेव देख पाएंगे। और ये देख पाएंगे यहाँ पे PWM, इस इन्वर्टर में तीन तरह का मोड है, आपको तीनों मोड समझाता हूँ मैं और तीनों मोड बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे बल्ब जो है वो अलग अलग स्टेज में यहाँ पे ब्लिंक करेगा, तो जो भी चीज़ यहाँ पे आप देख पाओगे IT मोड दिया गया है, फिर यहाँ पे देखो ट्यूब दिया गया है, पावर ऑन ऑफ यहाँ पे हम देख पाएंगे। तो ये सारा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कीज है वो यहाँ पे दिया गया है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। अब इसके चलते हैं बैक साइड पे, और बैक साइड का इसका डेटा हम देखते हैं क्या क्या चीज़ में दिया गया। देखो आपको आगे से ऊपर से मैं दिखा दूँ, पूरा ब्लू है, जिस तरह ये देख पाएंगे ये बैटरी देखो ये पूरा ब्लू है ना, उसी तरह इन्वर्टर भी पूरा ब्लू है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ देखो सोलर दिया गया है, सोलर का माइनस है प्लस, यहाँ से देख नेगेटिव एंड पॉजिटिव दिया गया। इस यहाँ पे नेट ऊपर से जो मैं हो
थोड़ा सा लूज करना है, वायर डालना है, देन नट को यहाँ पे ये टाइट कर देना है। तो सोलर का यहाँ पे सिंपली से कोई भी कनेक्ट कर लेगा। मतलब ये सिस्टम दिखाने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी आसानी से अपने घर में सेटअप कर सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको जो सोलर पैनल से माइनस प्लस आएगा तो ये नीचे से डालना है, माइनस एंड प्लस, देन उसको टाइट कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको वो भी बता दूँ कि इस पर कितना वोल्ट, कितना है, क्या रखना है, कितने वाट का रखना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जैसे मेंशन किया गया है। देखो मॉडल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे EGP1400 दिया गया है। अब ये 12 वोल्ट का यहाँ पे हमें बैटरी सपोर्ट करेगा, जो कि हम बैटरी कनेक्शन कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ निगेटिव एंड पॉजिटिव दिया गया है बैटरी का, तो बैटरी जहाँ दिया है तो बैटरी कनेक्ट करना है ये ब्लैक एंड ये रेड में। पैनल कहाँ करना है तो यहाँ करना है। तो दो कनेक्शन आपको पता चल गया। अब हमें ये भी देखना है कि सोलर पैनल का कितना वोल्ट रखना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो यहाँ पे यहाँ 17 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक का ही हम इसमें पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम इन्वर्टर ही मुझे मिला है जिसमें कि पैनल का रेंज क्या होना चाहिए वो सो होता है, सिर्फ पैनल का वोल्टेज दे देता है कि चलो 12 वोल्ट का या 18 वोल्ट या 24 वोल्ट या 36 वोल्ट ऐसे सिर्फ दे देता है, रेंज नहीं देता है। इससे जो कस्टमर है वो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि कितने वोल्ट, जैसे कि 12 वोल्ट में क्या करता है कि 34 वोल्ट, 36 वोल्ट, 30 वोल्ट तक का पैनल कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं। ठीक है, तो आपको नहीं करना, यहाँ पे मेंशन है, सिंपल सा चीज़ देखना है, 17 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक का पैनल ही इस पर कनेक्ट करना है। तो ये चीज़ दिया गया है। आउटपुट यहाँ पे देख पाएंगे कितना मिलेगा, 220 वोल्ट। इनपुट हम इसमें कितना दे सकते हैं, देखो 230 वोल्ट। मतलब यहाँ पे वोल्टेज वगैरह सारा कुछ रेंज दिया गया है। अब रही बात यहाँ पे, देखो ये जो है इसको खोलना है यहाँ से, ये देखो यहाँ से आउटपुट आपको मिलेगा, कहाँ घर में जोड़ना है। तो सिंपल सा जैसा कि इन्वर्टर होता है वो चीज़ यहाँ पे भी है, ये सब चीज़ नहीं होता इन्वर्टर में, सोलर वाला चीज़ नॉर्मल इन्वर्टर में, लेकिन ये चीज़ तो होता है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि आउटपुट जो है यहाँ से आपको देना है घरों में जहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। अब यहाँ एसी इनपुट, ये वाला जो वायर देख रहे हो, ये वाला जिसे मैंने खोला, इसे कहाँ देना है आपको, जहाँ पे मेन सॉकेट आपका होगा, जहाँ से आप करंट लोगे और इन्वर्टर में दोगे, तो इसको आपको वहाँ लगाना है। तो यहाँ से इनपुट होगा एसी, यहाँ से आउटपुट होगा, मतलब घरों में देना है यहाँ से, घरों से लेना है, मतलब जहाँ मेन से लोगे तो कहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो एग्जॉस्ट के लिए अगर आपका हीट एग्जॉस्टिंग करेगा और इसका गर्मी जो है वो बाहर निकालेगा, तो यहाँ से ये निकालेगा, यहाँ पे एग्जॉस्टिंग फैन लगा हुआ है। तो ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, मुझे अच्छा लगा ये इन्वर्टर। अब मैं क्या करूँगा इस पूरा सिस्टम का, अगले वीडियो में मैं इसका कनेक्शन करके लोड डाल के मैं आपको दिखाऊँगा। कुछ लोड रहेंगे, मैं लोड चलाऊंगा ताकि आप नॉर्मल घरों में कुछ लोड अगर चला सकते हो तो कैसे चलाओगे वो भी चीज़ हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।